जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपकी हैशटैग जियो। तो आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। हम इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 9, 10, 11, 12 या फिर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं। ऐसे अगर जेई मेंस नीट की बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं बेटा। और ऐसे ही अगर वन डे एग्जाम जैसे ISPCS ग्रुप सी एग्जाम की बात करें, स्टेट लेवल की एग्जाम की बात करें, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पर बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठ के आता है कि पीरियोडिक टेबल की नीड क्या थी, क्यों जरूरत पड़ी पीरियोडिक टेबल की। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। तो पीरियोडिक टेबल की जरूरत इसलिए पड़ी बेटा ताकि हम सारे के सारे एलिमेंट जो यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, इतने एलिमेंट 118 एलिमेंट, ये एक साथ रख के इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को यानी कि भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज को हम आसानी से पढ़ सके। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इजी बनाने के लिए यानी कि इजी उनको स्टडी करने के, उनको लर्न करने के लिए इस पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। तो चलिए हम बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे पहली बात इस तरह से ध्यान रखना है कि इस पीरियोडिक टेबल में जो है 18 ग्रुप होते हैं जो इस तरह से वर्टिकल हैं, इस तरह से वर्टिकल, ऐसे अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से यहां पर जो है 18 ग्रुप है इस तरह से हमारे पास, है ना, वर्टिकल में ऊपर से लेकर नीचे तक। इस तरह से मैंने एरो बना रखे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, यहां पर जो है 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं इस तरह से लेफ्ट से लेकर राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इस तरह से अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस तो ये हमारे पास अ पीरियड है, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो इस तरह से हमने जान लिया कि पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर अगर ब्लॉक की बात करें तो 4 ब्लॉक होते हैं, है ना। वो 4 ब्लॉक कौन से, सबसे पहला एस ब्लॉक, देन पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब यहां पर इस ब्लॉक के साथ साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी लिख रखी है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम बोल रहे हैं, एस को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पी को पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, डी को डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं और एफ को एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं बेटा, जैसे अगर हम बात करें एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं यानी कि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उस सब सेल में जाता है। जैसे हम बात करें एस ब्लॉक है तो इसका मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में फिल हो रहा होगा, एस सब सेल में जा रहा होगा, इसी वजह से हम इसको एस ब्लॉक कह रहे हैं। ऐसे पी ब्लॉक को भी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा होगा, ऐसे डी को भी, ऐसे एफ को भी। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं एस ब्लॉक की। यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है एस ब्लॉक की NS1-2-2 यानी कि NS एक से लेकर दो, एक से लेकर दो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। S तो हमें पता है ब्लॉक है और N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड की, कौन सा पीरियड है। ठीक, दूसरी बात P की बात करें, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस NS2 NP1-6 और D की बात करें तो उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस N-1 D1-10 NS0-2 और F ब्लॉक की बात करें तो F ब्लॉक यहां पर जो है, F ब्लॉक यहां बीच में प्रेजेंट होता है बेटा, यहां पर जो है ये लैंथेनियम और हाफमियम के बीच में जो 14 एलिमेंट होते हैं उन 14 एलिमेंट में से जो है यहां पर ये लैंथेनाइड सीरीज होती है और ऐसे एक्टिनाइड है यहां पर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं यानी कि एक्टिनियम और रुफिमियम के बीच में, तो वो एक्टिनाइड सीरीज होती है इस तरह से हमारे पास, तो उसी को हम कंसिडर करते हैं ब्लॉक। तो उसका जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-2 F0-14 N-1 D0-1 NS2। तो इस तरह से यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बेटा, क्वेश्चंस आता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करने जा रहे हैं तो इस पीरियोडिक टेबल को अब हम याद करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रखता है, यानी चुटकियों में याद हो जाएगी पीरियोडिक टेबल, बस 5 मिनट जो है फोकस रखना बेटा। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे पीरियोडिक टेबल को याद किस तरह से करना है, तो बेटा पीरियोडिक टेबल को याद करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि हम ये जो ब्लॉक है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन ब्लॉक को हम जो है ग्रुप वाइज याद करेंगे और डी और एफ ब्लॉक को हम पीरियड वाइज याद करेंगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, हम बोल रहे हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हमने किस तरह से याद करना है ग्रुप वाइज, तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक को किस तरह से याद करेंगे, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा ये हाइड्रोजन मैंने बिल्कुल अलग से लिखा है, अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजिशन नहीं है पीरियडिक टेबल में, इसलिए उसको अलग ही रखा जाता है। ठीक है ना,
और अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने इसको फर्स्ट ग्रुप में कंसिडर कर रखा है, ये इसलिए कर रखा है थोड़ा सा कि ताकि हमारी ट्रिक यहां से बन सके, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी याद करने के तरीका, याद करने का जो ट्रिक है। तो सबसे पहला ग्रुप जो है वो पहला ग्रुप में हम क्या बोलेंगे, यहां पर अगर एलिमेंट को याद करें, पहले एलिमेंट को देख लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो ये इसके एलिमेंट के नाम है। तो ट्रिक देखिए, याद करने का ट्रिक है हलीना, ये मान लीजिए हलीना का रफ सफर, हलीना का रफ सफर यानी कि हलीना का रफ सफर, मान लीजिए हलीना कोई लड़की है और उसका रफ सफर यानी उसका खुदाई सब कुछ है, भगवानी सब कुछ है ना। तो ये चीज है यहां पर हलीना का रफ सफर, इसको याद करने का तरीका। अब बोल रहे हैं सर हलीना का तो रफ सफर है, हमारा हम सफर है। हाँ बेटा, हम सफर भी होता है, किसी किसी का जो है हम सफर भी होता है, किस्मत वालों का हम सफर भी होता है, लेकिन रब तो सबका मतलब जो है, अगर हम बात करें रब सफर तो खुदा तो यानी कि रब जो यानी कि भगवान जो है सबका ही हम सफर होता है वैसे, है ना। तो बोल रहे हैं नहीं सर कुछ और ही हमारा हम सफर है। चलिए छोड़िए, आगे बात करते हैं, हम आगे बात कर रहे हैं बेटा यहां पर ये सेकंड ग्रुप की। तो सेकंड ग्रुप के पहले एलिमेंट देख लेते हैं, तो देखो बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, तो इस तरह से इनके नाम है। और याद करने का तरीका देखिएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मान लीजिएगा कि जो है बच्चा ने जो है अपने पापा को बोल रखा था, पापा अगर मेरे ट्वेल्थ में जो अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मुझे जो स्कूटी दिलाओगे या फिर बाइक दिलाओगे, है ना। तो उस तरह से उसके पापा ने वादा कर रखा था, हाँ अगर तेरे 95 क्रॉस आ गए तो तुझे पक्का बेटा कार भी दिलाएंगे स्कूटर भी दिलाएंगे। तो इस तरह से यहां पर जो है याद करने का तरीका है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप भी राजी हो जाता है जब बेटा कुछ अच्छा काम करता है ना। ये है इसकी दूसरी तरीका भी है, बहुत दूसरा ट्रिक भी है इसको याद करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना, कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब जो है बेटा 12th पास करके जो लड़की के लिए भी मांग रहा है, लड़की यानी कि शादी वगैरह करने के लिए लड़की भी मांग रहा है, तो यहां पर इस तरह से देख लीजिएगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इज इट क्लियर, याद हो गया। नेक्स्ट हम जो है बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ, तो पी ब्लॉक को भी हमने ग्रुप वाइज याद करना है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट की अगर सबसे पहले बात करें 13 ग्रुप की, यानी कि बोरोन फैमिली, तो इस बोरोन फैमिली में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें इसको याद करने का तरीका, तो यह है पहले हम बात करें यहां पर एलिमेंट कौन कौन से हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इसको याद किस तरह से करना है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, मान लीजिए मार्केट जा रखे थे और मार्केट से सब्जी खरीदी, बैंगन, आलू, गाजर, और उसको थैली में भर के लाए, इन थैली मतलब थैली के अंदर भर के लाए, है ना। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, ओके आगे बढ़े। तो 14 ग्रुप है यानी कि कार्बन फैमिली जो है, उस कार्बन फैमिली को याद करने का जो तरीका है, यानी कि 14 ग्रुप को याद करने का तरीका हम तब समझेंगे, पहले इसके एलिमेंट के नाम देख लेते हैं, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इस तरह से जो है यहां पर इसका जो है हमारे पास एलिमेंट याद हो गए। अब इसको याद करने का तरीका ट्रिक समझिएगा, तो ट्रिक है बेटा सबसे पहले जो है इस तरह से हम बोल सकते हैं, कार्बन सी जन्मी सन पर, ठीक है, क्या कार्बन सी जन्मी सन पर, कि कार्बन सी जन्मी सन पर, मान लीजिए कोई नहीं और सन पे जो है कोई जन्मा तो सन पे जन्मेगा बेटा, तो फूका फूका जलेगा यानी पूरा पूरा जला जला होगा, तो इस तरह से हम बोल रहे हैं कार्बन सी जन्मी सन पर। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है याद करने का, बोल रहे सर मजा नहीं आया, तो मजा अभी देखो बेटा किस तरह से आएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर जो है दूसरा तरीका क्या है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना, कि कहे सीताजी सुनो प्रभु, है ना, इस तरह से यहां पर इसको याद कर सकते हैं। और 15 ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, इस नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेंस भी कहते हैं, है ना, तो यहां पर ये नाइट्रोजन फैमिली को अगर याद करें तो पहले इसके एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो इस तरह से यहां पर एलिमेंट होते हैं। और याद करने का तरीका देख लीजिएगा, याद करने का तरीका है, नए पटाखे आज सब बिके, क्या बोला बेटा, नए नए पटाखे आज सब बिके, है ना, मान लीजिए जो दिवाली आ रही थी और जो है दिवाली में जो है लगा दी दुकान पटाखों की, तो इस तरह से जो है नए नए पटाखे आए और आज ही सबके सब बिक गए, तो इस तरह से हम बोल रहे हैं यहां पर नए पटाखे आज सब बिके। इज इट क्लियर। अब बोल रहे हैं बच्चे मजा नहीं आया, कोई अच्छा वाला बताओ, तो अच्छा वाला देख लीजिएगा बेटा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, है ना, तो इस तरह से बेटा भिखारी वाली कंडीशंस तो आजकल लॉकडाउन में वैसे हो ही गई है, कोरोना तो सबकी जीडीपी घटा दिया है ना, सबकी अर्थव्यवस्था की जो है
एक कर दिया है ना। तो इस तरह से यहां पर हमारे पास जो है हो जाता है। इसको याद करने का तरीका दोबारा सुन लीजिए, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 16 ग्रुप, इसको जो है बेटा जो है 16 ग्रुप को जो है ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं, और साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें इसको चैलकोजेंस भी बोलते हैं, है ना। तो इसको एलिमेंट देख लेते हैं हम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलेनियम। तो इस तरह से यहां पर क्या है, इसके एलिमेंट है। और इसको याद करने का तरीका जो है देख लीजिएगा, उस या ओ एस को मिला के जो है उससे टेपो, उससे टेपो। मान लीजिए एग्जाम में बैठ रखे हैं और बोल रहे हैं अरे मेरे से नहीं उससे टेपो, है ना, कि वो होशियार है तो उससे टेपो। तो इस तरह से यहां पर है उससे टेपो, है ना, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं 17 ग्रुप में जो है बेटा इसको हम बोलते हैं हेलोजन्स फैमिली। हेलोजन्स फैमिली इस तरह से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो हेलोजन फैमिली को जो है एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेनाइन। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर एलिमेंट हो गए। अब इसको याद करने का तरीका सुन लीजिएगा, तो याद करने का तरीका क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। ओहो मजा आ गया भाई, है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। अब बोल रहे हैं फिर कल बाहर आई आंटी कहां, छत में कपड़े सुखाने, है ना। अरे कब सुधरोगे, आंटियों को ही देखते रहोगे क्या, अरे अपनी उम्र वालियों को देख लो। तो अब जो है आंटी को छोड़ दो भाई, फिर कल बाहर आई आंटी उसको छोड़ दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं यहां पर जो 18th ग्रुप है, ये 18th ग्रुप को जो है हम बेटा नोबल गैसेस और आइडियल गैसेस, जीरो ग्रुप, है ना, और इनर्ट गैसेस, ये सारे इनके नाम है, ये सब कुछ कहते हैं। तो इनको याद करने का जो तरीका है, पहले यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। तो हम बात कर रहे हैं हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन। तो इस तरह से यहां पर एलिमेंट है। तो इसको याद किस तरह से करते हैं, याद करने का तरीका देख लीजिए बेटा, हेमा नीलम और करीना, सिनेमा की रानी। क्या है बेटा, रानी। मेरे दोस्तों ने तो जो है बहुत गंदी गंदी गालियों से इस पीरियोडिक टेबल को याद कर रखा था। बेटा गाली से तो याद तो कर लोगे, मैं बोल रहा हूं पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, चलो गालियों से याद तो कर लोगे, लेकिन दूसरे के सामने कैसे बताओगे कि इस तरह से हमने याद करा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं, रानी ही बोलना है बेटा, क्या बोलना है, रानी, ठीक है ना। हेमा नीलम और करीना, सिनेमा की रानी, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो हमने जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंप्लीट कर दिया, ग्रुप वाइज इनकी स्टडी कर ली। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमने क्या बोला था, पीरियड वाइज याद करना है। तो चलिए बात करते हैं डी ब्लॉक को पीरियड वाइज याद करना। तो यहां पर सुन लीजिएगा, सबसे पहला यहां पर हमारे पास जो है ये वाला पीरियड आ रहा है, तो इसको किस तरह से याद करना है सुन लीजिएगा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नहीं कंप्लीट जाने दो, है ना। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नहीं कंप्लीट जाने दो, है ना, कि जो साइंस का टीचर है वो बहुत ज्यादा क्रूअल है और फीस मांग रहा है, कॉपी नहीं कंप्लीट जाने दो। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नहीं कंप्लीट जाने दो। तो एक तो इस तरह से याद रख सकते हो, बोल रहे सर कोई दूसरा बताओ, तड़कता भड़कता वाला बताओ, तो तड़कता भड़कता वाला ये भी है बेटा, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेको नी क्यों जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेको नी क्यों जलाती हो, है ना। तो ये भी अच्छा है ना, बात लीजिएगी क्लास में जो कोई टीचर आई, फीमेल टीचर, और उसी पे नजरें गाड़ रखी है, होते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, इस तरह से याद हो गई, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नहीं कंप्लीट जाने दो, या फिर साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेको नी क्यों जलाती हो, इस तरह से हो गया हमारे पास। और बोल रहे सर और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बता दो यार, तो और भी है, और क्या है, और क्या है, सुन लीजिएगा, और क्या है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ओहो मजा आ गया भाई, मान लिया किसी लड़की को बोला कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। तो मान लीजिए जो है बोला कि लड़की को बोला तुम विवाह मुझसे कर लो फिर जानो तुम्हें कोई नहीं कहेगा, अरे बोल तो दिया पर लेकिन लड़की माने ना माने, सामने से लड़की के घर वाले माने ना माने, आपने तो बोल दिया, लड़की के घर वाले माने नहीं रहे विवाह करने के लिए, है ना। अक्सर यहां से जो है एक साइकोलॉजिकल थॉट मुझे याद आ रहा है, साइकोलॉजिकल थॉट इस तरह से है बेटा वो, कि जिसको पाना आसान नहीं होता अक्सर मोहब्बत और दीवानगी उसी के लिए ज्यादा बढ़ती है ना।
तो चलिए छोड़िएगा, आगे बात करते हैं। तो दूसरी हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये दूसरा यहां पर इस तरह से ये पीरियड की हम बात करें, तो इसको याद करने का जो तरीका है देख लीजिएगा। ये जरीना नवाब मोहाली तक रूठी रही, पढ़े न समझ आ गई चंडीगढ़। क्या है बेटा? ये जरीना नवाब मोहाली तक रूठी रही, पढ़े न समझ आ गई चंडीगढ़। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। बोले सर थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाइए इस चीज को। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुन लीजिए बेटा, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरे ट्रिक भी है इसको याद करने का, ठीक है। यारी जरा निवाना मौत तक, रुकावटें राह पड़ी आगे कूद जाना, है ना, कि जो दोस्ती यारी जो है तब तक निभाना है, मौत तक अगर कुछ रुकावटें पड़ी तो उछल के आगे बढ़ जाना, डरना मत, ठीक है ना। तो इस तरह से है इसको याद करने का तरीका, है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पर है हमारे पास ये वाला पीरियड। तो इस वाले को याद किस तरह से करना है, ला हफ्ता वरना रे उस पार, इधर पिटाई और होगी, है ना। तो इस तरह से यहां पर है ला हफ्ता वरना रे उस पार, इधर पिटाई और होगी। तो इज इट क्लियर, हो गया यार, आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट पीरियड है हमारे पास, एक्ट रफ दबंग सरजी बहुत हंसे मस्त डांस रॉन्ग टॉन्ग, है ना, कि मान लीजिए दबंग सरजी जो है एक्ट कर रहे हैं और वहां पर जो है इस तरह से हो रहा है एक्शंस और भी बोल रहे कट कट कट, है ना। एक्ट रफ दबंग सरजी बहुत हंसे मस्त डांस रॉन्ग टॉन्ग। तो इस तरह से यहां पर जो है हमारा ये डी ब्लॉक भी याद हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक को ध्यान से सुन लीजिए बेटा, यहां पर किस तरह से इसको याद किया जाता है, सुन लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ और तुम पर यूं ही लुट गए हो। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा इसको याद करने का तरीका, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ और तुम पर यूं ही लुट गए। मान लीजिएगा जो है और कोई लड़की देखी और उसको पहली बार देखते ही जो है कुछ कुछ होने लगा है ना, तो कुछ कुछ होने लगा है। तो एक बात जो है साइकोलॉजी फिर से जो है आती है बीच में, साइकोलॉजी कहती है बेटा कि अगर किसी से तुम्हें मोहब्बत हो जाए तो उसको तुम चाहते हो कि वो भी तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो, वो भी तुम्हारी तरफ जो है आकर्षित हो, तो उससे बात कम और आई कॉन्टैक्ट ज्यादा करना। आई कॉन्टैक्ट का मतलब है कि उससे नजरें ज्यादा मिलाना। तो उस नजरों से मिलाने की वजह से क्या होगा, सामने वालों को क्या होता है, खुद ही पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, यानी कुछ तो बात है, कुछ तो गलत है, दाल पूरी काली है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बात करते हैं, तो इसको फिर से सुन लीजिएगा, इसको याद करने का तरीका, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ और तुम पर यूं ही लुट गए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह बच गया ए ब्लॉक का, यहां पर यह लास्ट पीरियड बच गया। तो इसको हम बात किस तरह से याद करेंगे, तो सुन लीजिएगा, तांगे पर यूं नजर पड़ी, तांगा बेटा तांगा और टिकड़ी टिकड़ी वाली टांगे नहीं, है ना, टांगे मत सोचना, तांगा जो पहले जो है राजाओं के जमाने पे तांगे पे चलते थे ना बैठ के रथ वगैरह, तो दैट इज तांगा, है ना। तांगे पर यूं नजर पड़ी, आसमान चमका बिजली कड़की, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की, है ना, कि जो है तांगे पर यूं नजर पड़ी, मान लीजिए उस तांगे में कोई लड़की जा रही थी बैठकर, उस पर नजर पड़ी, है ना, और वो लड़की जो है ऐसे निकल गई बिना देखे वगैरह, है ना। तो फिर से सुन लीजिएगा, तांगे पर यूं नजर पड़ी, आसमान चमका बिजली कड़की, एहसान फरामो मन चली निकली लड़की, है ना। तो इस तरह से हमारे पास पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो गई है। आगे हम जो है इसके कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, यहां पर देखना इस तरह से, यहाँ पी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो ये पी ब्लॉक वाला है जहां पर मैं ये सेडेड सेडेड कर रहा हूं, ये सेडेड इसलिए कर रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है। इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, ये जो सेडेड वाला रीजन है ये मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करता है, किस तरह से मेटल और मेटल को सेपरेट कर रहा है देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं जैसे ये पूरा का पूरा सेडेड वाला रीजन है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं इस तरह से ये जो है, तो पता चल जाए आसानी से कि कौन सा डार्क रीजन है ये वाला, ठीक। तो ये इनको कहते हैं हम सेमी मेटल, यानी कि बीच के हैं बेटा ये, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच के। तो ये बीच वाले हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड सारे के मेटल हो जाएंगे यानी कि धातु हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड सारे के सारे नॉन मेटल यानी कि अधातु हो जाएंगी। तो हम बोल रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड जो है सारा का सारा, ये लेफ्ट हैंड साइड ये सारा का सारा जो हमारे पास है, ये सारा का सारा इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास,
मेटल है, है ना, और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड मेटल है, यहां पर लिख लेते हैं मेटल, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा जो है मेटल है, और यहां पर राइट हैंड साइड की बात करें, ये राइट हैंड साइड इसके जो है राइट हैंड साइड है, ये पूरा का पूरा इसमें हाइड्रोजन भी जोड़ देंगे बेटा, ठीक है ना, तो ये क्या है नॉन मेटल है, है ना, इस तरह से हम क्या बोल देंगे, ये क्या है नॉन मेटल यानी कि अधातु, ठीक, इतना हमें पता चल गया। और ये बीच वाले बोले तो ये हैं बीच वाले सेमी मेटल यानी कि मेटलॉइड, क्या बोलते हैं, सेमी मेटल बोल दीजिएगा या फिर इनको बोल दीजिएगा मेटलॉइड, मेटलॉइड ये सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी परमाणु संख्या की, परमाणु संख्या किस तरह से निकालते हैं, चुटकियों में देखना बेटा बहुत इजी है परमाणु संख्या, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर परमाणु संख्या किस तरह से निकालेंगे, तो हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जो लैंथेनाइड है और यहां पर एक्टिनाइड है, 14 एलिमेंट आ रहे हैं यहां पर नीचे देख लीजिए इस तरह से, ये 14 एलिमेंट है, इनको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, यहां पर जो है 14 एलिमेंट आ रहे हैं एक्टिनाइड सीरीज, तो इस लैंथेनाइड में जो है यहां पर डिफरेंस होता है 57 से लेकर 72 और एक्टिनाइड में डिफरेंस होता है हमारे पास 89 से लेकर और 104 तो इस तरह से जो है यानी कि हमने अगर 57 में 14 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 72 बनेगा, तो 72 इसका एटॉमिक नंबर होगा, और यहां पर जो है 89 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 104 यहां पर यानी कि 103 होगा और 104 वाला ये वाला एलिमेंट निकल के आएगा, ठीक है ना, इतना हमने याद कर दिया, बस ये दो याद रखने, बाकी सब देखो किस तरह से होता है। यहां पर जो है इन सब का एटॉमिक नंबर बहुत आसान याद करना होता है, तो देखिएगा यहां पर हमें बस मैजिकल वर्ड याद रखने हैं यानी कि डिफरेंस याद रखना है, जैसे हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करी होगी, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करी होगी बेटा, तो यहां पर डिफरेंस निकल के आता है, जैसे यहां पर पहले और दूसरे पीरियड के बीच में 2 का डिफरेंस निकल के आता है, यहां पर दूसरे से तीसरे जाने में जो है 8 का डिफरेंस निकल के आता है, तीसरे से चौथे जाने में 8 का डिफरेंस, चौथे से पांचवें जाने में जो है 18 का डिफरेंस निकल आता है, पांचवें से छठे में जाओ तो फिर भी 18 का डिफरेंस निकल के आता है, और छठे से सातवें में जाओ तो 32 का डिफरेंस यानी कि 32 का डिफरेंस निकल के आता है, तो उस डिफरेंस को ही हमने देखना है। यहां पर हमें केवल एक जो है एक ही एटॉमिक नंबर याद रखना है, वो केवल हाइड्रोजन, बाकी सब अपने आप निकलेंगे, कैसे देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन का एक है तो 2 का डिफरेंस 2 तो कितना हुआ बेटा यहां पर 3, फिर जो है 8 का डिफरेंस 11, फिर 8 का डिफरेंस 19, फिर 18 का डिफरेंस जो है 37, और फिर 18 का डिफरेंस 55, और फिर जो है 32 का डिफरेंस जो आ जाएगा 87। तो यहां पर हमारे पास इस तरह से जो है इन फर्स्ट ग्रुप के जो है एटॉमिक नंबर निकल के आ गए, दूसरे जब इसका 3 है तो इसका क्या होगा 4, इसका 11 है, इसका 12, इसका 19, इसका 20, इसका 37, इसका 38, इसका 55, इसका 56 और इसका 87, तो इसका 88 यानी कि 88 हो जाएगा। इस तरह से हम बात कर रहे हैं, यहां पर 4 है इधर जाएगा यानी कि यहां पर 1 है तो यहां पर हो जाएगा 2, ठीक, और यहां पर 4 है यहां पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक, यहां पर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से हो गया। यहां पर 20 है तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 इस तरह से हो गया बेटा, ठीक है ना, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 है ना, और 50, 51, 52, 53, 54 यहां पर आ जाएगा 54, ठीक, 55, 56, 57 से लेकर और 72 यहां पर है तो यहां पर हो जाएगा 57 तो ये है तो ये आ जाएगा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, तो 71 यहां पर आएगा, 72 ये है, 73, 74 है ना, ये आ जाएगा यहां पर 74, 75,
76 77 78 79 80 81 82, तो ये हो जाएगा 83 84 85, ये अपने आप 86 हो गया। और 87 88 89 यहां पर है, तो इससे आगे क्या होगा, 90 यहां पर, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103, और 104 यहां पर निकल के आ गया, तो 105 106 108 109 110 111 112, और इस तरह से 112, और इस तरह से यहां पर जो पूरा का पूरा 118 तक आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास एटॉमिक नंबर इसके याद हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात हम बात कर रहे हैं, यहां पर ये जो इतने भी एलिमेंट है, यहां पर जो है लास्ट में यहां पर आ जाएगा 118, है ना बेटा। तो इन 118 एलिमेंट्स में से जो है 118 एलिमेंट्स में 6 तो हमारे पास क्या होते हैं, 6 हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे। वो लिक्विड स्टेट में देखिएगा कहां कहां पर है, देखो दो तो यहां पर होते हैं, यहां पर सीजियम एंड फ्रेंसियम यहां एस ब्लॉक में, और दो होते हैं यहां डी ब्लॉक में, यानी कि मरकरी एंड कॉपरनेशियम, और दो होते हैं यहां पर पी ब्लॉक में, है ना, गैलियम एंड ब्रोमीन। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है टोटल 6 हमारे पास क्या हो गए हैं, टोटल 6 तत्व ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, है ना। उन 6 एलिमेंट में से जो ये 5 है, ये 5 के 5 क्या है, मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, और ये एक अकेला ऐसा है जो नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो इसको हम बहुत स्टार पॉइंट लिख लेंगे। वो पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, तो नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन। एक बात ध्यान रखिए बेटा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये एक ऐसा ब्लॉक है, यहां पर जो है आपको नॉन मेटल भी देखने को मिलेगा, बीच के यानी कि मेटलॉइड भी देखने को मिलेंगे और मेटल्स भी देखने को मिलेंगे। तो इतने इधर मेटल, इसके इधर नॉन मेटल और बीच में मेटलॉइड्स। कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में, मरकरी, ठीक है ना, मरकरी ऑप्शन आएगा, और बाकी इनमें से अगर ऑप्शन दे रखा होगा तो ये जाएगा। फ्रेंसियम और कॉपरनेशियम तो जनरली नहीं देता क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस बहुत कम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, रेडियो एक्टिव मतलब ये बहुत कम एग्जिस्टेंस करते हैं, इन्हें रेडिएशन निकलती है इनसे, ठीक है ना, इनका एग्जिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, 10 to the power -6 से लेकर 10 to the power -10 सेकंड इनका एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि ना के बराबर एग्जिस्टेंस होता है, तो इतना इस वजह से इनको नहीं लिया जाता है, सीजियम और मरकरी को ही लिया जाता है। हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट में मेटल्स या फिर गैलियम को, पर लेकिन जहां पर क्वेश्चन आया मरकरी वहां पर दे रखा होगा, है ना, तो ये मरकरी मेटल्स हम लिखेंगे, नॉन मेटल्स में ये ब्रोमीन लिख देंगे, ठीक है ना, आया समझ में। अब हम बात करेंगे बेटा कि हमने बोल दिया 6 तो लिक्विड है, ठीक, और 11 होती हैं गैसेस, 11 होती हैं गैसेस। अब गैसेस कौन सी हैं कि यहां पर बात करें, ये 6 की 6 गैसेस, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 गैसेस तो क्या है, आइडियल गैस, इनको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। दूसरा नाम क्या है इनका, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, आइडियल। और तीसरा नोबल गैस, और इसी को क्या कहते हैं बेटा, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। ये हमारे पास हो गया, तो यहां पर ये 6 की 6 गैस, 6 गैस तो आइडियल गैस है, और 5 और इसके साथ ऐसी गैस है जैसे जिसको हम रियल गैस बोलते हैं, तो 6 और 5 11 होगी। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, तो यहां पर 4 और 1 ये हाइड्रोजन 5, तो ये हमारे पास जो है 5 तो क्या है, ये 5 हमारे पास रियल गैस है और 6 ये आइडियल गैस है, 6 5 11, ये टोटल 11 हमारे पास पूरे के पूरे रूम टेम्परेचर पे गैस होती हैं, है ना, ये रूम टेम्परेचर पे 11 गैस होती हैं, 6 लिक्विड होते हैं, बाकी जितने भी बच गए हैं वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास हो गया बेटा इसका, हमने एटॉमिक नंबर भी पढ़ लिया, गैसेस का डिफरेंस भी पढ़ लिया, सारी चीजें हमने यहां पर देख ली। अगर हम बात करें इस ग्रुप को कहा जाता है हैलोजन, इस ग्रुप को कहा जाता है चलकोजन, चलकोजन यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप को, और नाइट्रोजन ग्रुप को कहा जाता है निक्टोजन,
क्या कहा जाता है, निक्टोजन्स, पी इस पे साइलेंट होता है, निक्टोजन्स, ठीक है ना। और इनको कहते हैं क्वाइनाइज मेटल, इसको कहते हैं बेटा क्वाइनाइज, कॉपर के क्वाइंस बनते हैं ना, और गोल्ड के सिल्वर के, तो इनको क्वाइनाइज मेटल भी कहते हैं, क्वाइनाइज मेटल, इस तरह से, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया सारा का सारा। दूसरी बात अगर हम बात करें कि यहां पर एस ब्लॉक में जो है दो चीजें होती है, फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और डी ब्लॉक को कहते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो ट्रांजिशन एलिमेंट केवल 11 ग्रुप तक ही होता है, यानी कि तीसरे से लेकर 11 ग्रुप तक क्या होता है ट्रांजिशन, 12th वाला नॉन ट्रांजिशन होता है, उसका भी हम रीजन आगे बताएंगे। और ये जो है एफ ब्लॉक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये डी के अंदर पाए जाते हैं, तो हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में, छाप लीजिए, इतना हमने देख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहां पर हम बोल रहे हैं ये सेमी मेटल यानी कि मेटोलाइट, इनको सेमी मेटल्स क्यों बोल सकते हैं, बोलते हैं इन बीच वालों को, इनको इसलिए सेमी मेटल बोला जाता है, सेमी का मतलब होता है आधा, आधा इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज होती है और आधा इसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, इस वजह से इनको सेमी मेटल कहा जाता है, यानी कि बीच वाला कहा जाता है, ना उधर का ना इधर का, बीच के रह जाते हैं बेटा, है ना, बीच वाला। तो इसलिए जो है हम इनको सेमी मेटल यानी कि मेटोलाइट कहते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका देख लीजिएगा, बहन सीताजी आज सब टेपो, क्या है, बहन सीताजी आज सब टेपो। तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल जो है ट्रिक से और टेक्निक से याद कर ली है। आगे लेक्चर्स में भी हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, किस तरह से कि बात बोल दिया भाई कि कहीं से भी एलिमेंट दे दिया उठा के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस तरह से पेपर में, कोई भी एलिमेंट दे दिया, चाहे वो पी ब्लॉक, चाहे वो एस ब्लॉक, चाहे डी, चाहे एफ ब्लॉक, कोई भी एलिमेंट उठा के दे दिया, बोलेगा इसका ग्रुप बताइए, इसका पीरियड बताइए, इसका ब्लॉक बताइए, तो उसको भी हम ट्रिक से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।